फ्रेंड, तीज की बहुत बहुत बधाई हो आप लोग के। आज मंदिर चलेंगे, अभी हम तैयार हो रहे हैं, चूड़ी उड़ी नहीं पहने हैं, अभी तैयार होके आपको दिखाती हूँ। मंगलसूत्र है, देखिए चूड़ी भी पहन लिया हमने, गले का सेट, तो देखिए पायल, जितने पहन रहे सब रोल गोल के हैं, कोई सोना नहीं है। ये भी अटकीसन है, पायल भी अटकीसन है, सोने चांदी था सब गुम हो गया, बाकी भगवान की मर्जी। ये भी देखिए, ये भी अटकीसन है, 250 रुपये की है, दुकान से खरीदा है। देखिए अटकीसन है, कितना अच्छा सोना जैसे लग रहा। ये सब श्रृंगार है माता जी के लिए और पंडित जी के लिए। फल फ्रूट है, अभी धोने जा रहे हैं इसको, दो टोकरी में है फल, अभी इसे धो लेंगे फिर मंदिर ले चलेंगे। हो गया पैर के, अब हाथ में लगा रही हूँ, मेहंदी लगाया नहीं, मेहंदी अब रात में लगाऊँ, अभी टाइम नहीं मिला, इसीलिए नेल पॉलिश अलता से ही रंग लिया नाखून। मेहंदी ला के रखी हूँ, देखिए रात को लगाऊंगी मेहंदी। विवेक, ए बाबू, बस बेटा ये पूजा करके फिर मंदिर चलते हैं, कथा सुनेंगे। चलिए मेहंदी से तो अच्छा है, अब मेहंदी रात को लगा लेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट करिए। हाँ बस पूजा करके फिर मंदिर ले चलेंगे आप लोग के। ये हमारा विवेक जी बैठे हुए हैं। हाँ बेटा, बहुत बुखार हो रहा, सबकी तबीयत खराब है इस समय। चलिए अब सूरज भगवान को जल दे के फिर मंदिर ले चलेंगे आपको। भगवान शिव तथा माता पार्वती को हम प्रणाम करते हैं। रो रही है मंदिर में, कैलाश पर्वत के सुंदर विशाल चोटी परमेश्वरी हुई श्री पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा, हे महेश्वर, हमें को एक गुरु के प्रति अपने जन्म बताइए जो सभी धर्मों में श्रेष्ठ सरल हो, जिसमें श्रम कम करना पड़े। हे परमेश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो इसका अनुमान बताइए, यह भी बताने की कृपा करे। पूजा करके कौन से काम करते या दान करने आदि से
आज मध्य और अंत रहित आप से प्राप्त हुए हो। भगवान शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक उत्तम व्रत जो मेरा सब प्रकार से दिखाने के है परेशान हो गई थी मैं। शिव पुराण और स्मृतियां में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें व्रत बताता हूँ। गुरु से एकाग्र मन से सुनो, जिस व्रत के प्रभाव से तुमने मेरा आदर बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रिया। भादों का महीना हो, रखती हूँ शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हो, मैंने क्यों यह सर्वोत्तम व्रत किया था, जब आप सुनना चाहते हूँ। भगवान श्री बोले, हिमालय नामक एक उत्तम महान पर्वत है, उसके आसपास तरह तरह की भूमि, तरह तरह के वृक्ष, अनेकों प्रकार के पक्षी, पशु और निवास करते हैं। गंधर्वों के साथ बहुत से देवता विचरण और पंचीगण गंगा पतन मन से विचरण करते हैं। वहाँ बहुत सारे चलाए हैं, पर्वत राज